ये 10 लोगों का काम नहीं है। तेरी पगार कितनी है तो बात कितने करता है। सत श्री अकाल बाजी। क्या विदेशों में रिलीज की गई सूर्यवंशी फिल्म क्रिटिक ने फिल्म के बारे में क्या कहा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाल। तो बात करेंगे सूर्यवंशी की, जिसका इंतजार न जाने हम कब से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यही वो गारंटेड फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस का सूखा खत्म कर सकती है, पब्लिक को वापस ला सकती है। इसके ऑलरेडी 3 गाने रिलीज हुए और रिस्पॉन्स क्या भौकाल है, आपने देखा ही होगा। अभी तक 3 गाने रिलीज हुए हैं, आइला रे आइला 77 मिलियन ये क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा गाना रिलीज हुआ है मेरे यारा, रोमांटिक सा ट्रैक है, 37 मिलियन क्रॉस कर चुका है। ना जा ना जा इतना सा गाना, ये भी कम ही समय में इतना ज़्यादा वायरल हो गया है। तो गाने इतना अच्छा रिस्पॉन्स पा रहे हैं, तो सोचिए जब फिल्म रिलीज होगी तो क्या कहर ढाएगी। फिल्म की कहानी एकदम मस्त है, ट्रेलर से आपको पता चल गया होगा, एक्शन है, रोमांस है और 3 ऐसे प्राणियों का संगम है जो कि अच्छी खासी, क्या ही बोले दोस्तों। बात कर रही हूँ मैं अजय देवगन की, साथ ही आपको बता दें सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह की और अपने खिलाड़ी कुमार, तो है ही तीनों मिलके जो बवाल कर रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और रोहित शेट्टी का भी प्लान यही था कि बड़ा कुछ करना है, इस बार बड़ा कुछ करना है, थिएटर्स में लाना है तो कुछ बड़ा तो करना ही पड़ेगा। और थिएटर्स में जाके लोगों से अपील की, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कि पॉप यूनिवर्स के तीनों खिलाड़ी यानी कि खिलाड़ी कुमार, अक्षय, सिम्बा और हमारे सिंगम, तीनों साथ आए। तीनों ने अपील की कि प्लीज़ थिएटर में लौटिए, दिवाली में लौटिए, फैमिली के साथ लौटिए, यही प्रेशर किया जा रहा है और लोग भी एंटरटेनमेंट चाहते हैं यार, पक्का जाएंगे फिल्म देखने के लिए। और क्रिटिक जो है हमारे UAE में, उन्होंने फिल्म देखी है, ओमर सैंदू ने, और उन्होंने अपना वर्डिक दे दिया है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट है। 5 में से 4 स्टार इन्होंने दिए हैं, सबकी तारीफें की, स्पेशली कैटरीना की भी तारीफ की है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी फिल्म में दिखी है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। गाने कमाल के चिपटे वर्षा 2.0 का इंतज़ार अभी भी है कि वो कब रिलीज़ होगा, फिल्म के बाद रिलीज़ होगा, फिल्म में ही देखने को मिलेगा डायरेक्ट, मतलब कि ये कहीं ना कहीं छुपा रुस्तम टाइप की चीज़ हम कह सकते हैं फिल्म के लिए। और फिल्म की जो कहानी है वो लोगों को ज़रूर खींचेगी, 90s के दौर की बात है, किस तरह से पुलिस ऑफिसर अपने काम को अंजाम देते थे, उस वक्त टेक्निक्स उनके पास कम होती थी तो क्या तरीका अपनाते थे, ये सब दिखाया जाएगा। एक्शन धुआंधार है, रोहित शेट्टी की फिल्म है तो ये सब तो देखने को मिल ही जाएगा फिल्म में। तो लग रहा है दोस्तों कि बॉक्स ऑफिस पर जो अकाल पड़ा हुआ है वो सूर्यवंशी ज़रूर हटाएगी। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।